नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बहुचर्चित के ऊपर। और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एक टाइटल अनाउंसमेंट का, जो कि एक साल पहले हुआ था, लेकिन उसने एक थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट की थी। यूट्यूब पर भी ये बहुत लोगों को मतलब रिकमेंडेशन में जा रहा है अभी भी, लेकिन इसकी मूवी आई नहीं जो कि एक्सपेक्टेड था इस साल में आ जाना चाहिए था, लेकिन शायद 2023 में आएगी, जिसके अंदर मुझे थोड़ी थोड़ी फ्रेडी वाली फीलिंग आई। इसका नाम है एनिमल और इसका जो टाइटल अनाउंसमेंट है, इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक में जो एक टोन चल रहा है वो सस्पेंस थ्रिलर मूवीज में, क्राइम मूवीज में जिस तरीके से होता है वैसा म्यूजिक लगा। और साथ में रणवीर कपूर की आवाज उसमें ऐड की गई है, जो शायद अपने पापा को धमका रहे हैं और उनका खून करने वाले हैं, ऐसा वाला फीलिंग आ रहा है उनके जो डायलॉग है उससे। आप एक बार खुद ये टीजर देख लीजिए और क्या आपको भी वही फीलिंग आई या फिर ये किसी और हिसाब से बोला गया है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। वैसे हम लोग इस टीजर के जो अनाउंसमेंट के रिव्यू पर वापस आते हैं। इसके अंदर बताया गया है स्टार कास्ट में अनिल कपूर और परिणीति चोपड़ा भी होने वाली है, और जिन्होंने अर्जुन रेड्डी जैसी फिल्में डायरेक्ट की थी उन्होंने ही ये फिल्म वापस डायरेक्ट करने के लिए ली है। अर्जुन रेड्डी अगर आपको नहीं पता तो वो कबीर सिंह का साउथ वर्जन है, और कबीर सिंह भी सेम डायरेक्टर ने डायरेक्ट की थी और वही अब ये वापस सिनेमा बनाने जा रहे थे। इसका नाम है एनिमल। अब इसका अगला अपडेट हम लोग लाने की जरूर कोशिश करेंगे, आप एक बार इसका अनाउंसमेंट टीजर देख लीजिए। अगर आपको वही लगता है, आप मेरी बातों से सहमत है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही नई मूवी अपडेट्स के लिए, फिल्मी विषय की चर्चा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद।